देखिए आप माँ सात मैया के दर्शन करके हम पीछे दरवाजे से आ चुके हैं। पिछले कहाँ गए? वे सब कहाँ है? मैहर की माँ सात मैया के दर्शन कराने हम आपको लेके चल रहे हैं। मई की तपती दोपहरिया में देखी काफ़ी सारे श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के लिए ऊपर पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। कहाँ से भैया आप? पटेरा। पटेरा, अरे वाह, दबो से देखो अपने पटेरा के ही लगा। क्या नाम से? नाम क्या आपका? धर्मेंद्र राठौर। भैया धर्मेंद्र राठौर साहब मिल गए हैं अपने पटेरा दमोह के। जय माँ शारदा मैया की, जय माँ शारदा मैया। देखो हमारे मामा के यहाँ के भी लोग हैं यहाँ पर। ना ना पहले वाला है इतनी ऊंची कौन चलत हुई है। यहाँ देखिए रोट भी मिलता है। पानी काफ़ी गर्म है यहाँ पर, आप देख पा रहा होगा रोप वे। और यहाँ पर श्रद्धालु वापस मैया के दर्शन कर कर लौट रहे हैं। भारत की कोने कोने से पधारते हैं यहाँ पर सभी श्रद्धालु, उन्हीं सभी के आप दर्शन कर पा रहे होंगे। आज उसी पल उसी क्षण का साक्षी बनने के लिए हम भी माँ मैहर शारदा जी के दर्शन करने के लिए आज देखिए मैहर पधारे हैं। काफ़ी थकान होने के थकान काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि सीढ़ियों चढ़ते समय काफ़ी ज़्यादा परिश्रम होता। देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे आप सरिलान चली आ रही है। हम बिल्कुल माई के निकट पहुंचने वाले हैं। एक बार पुनः सभी बोली माँ मैहर शारदा मैया की जय। काफ़ी सारे श्रद्धालु देखिए जो उतरते वक्त चढ़ते वक्त आराम कर कर के चढ़ते उतरते हैं। जी जी दादा ने तिलक लगा दिया है, जो बिना तिलक नहीं आना चाहिए, जो हमारे गुरुजी ने पूरा कर दिया है। जय हो माँ शारदा मैया। कहाँ से आना हो बेटा? हम दम की वाली में शारदा मैया की वाली मैया के
यहाँ की जो माँ शारदा हमारे यहाँ विराजमान हुई, इसका पुराना इतिहास ये है। हटिए भैया। एक ग्वाल गाय चराता था जी, वो गाय के चराई लेने के लिए माँ के लहर रोज गाय जाती थी जी। उसने सोचा कि दो चार माह तो छः महीना हो गए, आज मैं इस गाय के पीछे लगूंगा तो मेरे को चराई मिल जाएगी। उसने गया, सब गाय को छोड़ दिया। इसके बाद वो चलता है तो पहाड़ में गया तो शिला में गाय घुस जाती है। उसने बाहर निकलता है तो एक बूढ़ी माँ निकलती है, कैसे बेटा तू इस जंगल में कैसे भटक रहा है, कैसे मेरी चराई चाहिए माँ, मैंने गाय चराया जी। गाय ने माँ ने कैसे बेटा मेरा तो जंगल धाम है, लेकिन जब है जवा है वो जवा देती है सूपा में लेके। हमारे यहाँ जोधार सिंह मैहर के राजा थे, उसने इतना बड़ा कि ये मैं कहाँ ले जाऊँगा क्या करूँगा, इन्हें सवेरे उसको जाके राजा को दिया। राजा ने कहा ये चोरी करके ले आया है, राजा ने इसको जेल में डाल दिया था। माँ ने हमारी माँ शारदा उसको स्वप्न में बताया कि अगर उसको धानु को नाम का उसको नहीं छोड़ते हो और मेरा नाम मंदिर बनवाओ और मेरा प्रचार करिए, मैं सबकी मनोकामना पूर्ण करूँगा। हमारे यहाँ के राजा जुधार सिंह के द्वारा ये शिलान्यास हुआ है। आज के 5000 पहले वर्ष का इतिहास है, वो इतिहास बताया जाता है जी। जी बोली शारदी मैया की जय। भैरव बाबा के पास एक शिला लगा है, जिसको अगर जो बांट ले चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो चाहे पाकिस्तान, 5 करोड़ रुपए माँ शारदा के लहा से इनाम दिया जाता है जी। जो वो बांट ले। अच्छा, अभी भी लगा है शिला जवाब के, तो आप माइक को देख सकते हैं। जी जी बहुत मज़ा की जय जय श्री। देखिए सीधा रास्ता वो बंद है, तो यहाँ से घूमते हुए हम माई के दरबार चल रहे हैं। आने का रास्ता अलग है और यहाँ पर जाने का रास्ता भी, दोनों अलग अलग है। और ये देख पा रहे हो ये रोड वाला रास्ता भी अलग है, जब ज़्यादा भीड़ होती तो इसी रोड के रास्ते चारों तरफ घुमा घुमा कर ऊपर श्रद्धालु पहुँचते हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। चारों तरफ यहाँ पर बिंद हिमाचल की पहाड़ियाँ हैं। अभी हम जब दमोह से आए तो चारों तरफ ये डला ऊपर, इसको हम भी एक तरफ कर दें। आप देख पा रहे हो कि यहाँ से श्रद्धालु वापस नीचे आ रहे हैं और हम लोग यहाँ से घूमते हुए मंदिर पर ऊपर जा रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन लगभग 1:10 बजे है, 1 है 9 बजे, तो हम बिल्कुल शाम को ही यहाँ से निकलेंगे। माई की आरती मिल जाए, ये कृपा हो जाए माई की। तो यहाँ से देखिए अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इसलिए रास्ता काफ़ी आपको सुनसान समझ में आ रहा है, क्योंकि गर्मी मई की गर्मी। और आज है 26 तारीख, तो आप देख पा रहे होंगे ये पहाड़ दिख रहे हैं नीचे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। विंध्य पर्वत पर विराजी हमारी माँ शारदी मैया, जिनके दर्शन करने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हो रहा है। नवतपा के मध्य हम लोग यहाँ पर आए हैं और अब देखिए थोड़ा सा और रह गया है रास्ता। वैसे यहाँ पर ठंडी हवा चल रही तो काफी ठंडक है, गर्मी इतनी महसूस नहीं।
ये देखिए हमारे साथ जो यहाँ पर है हमारे मामा के गांव के हैं सभी लोग। आपका नाम बताइए? महेंद्र दुबे जी। आशीष दुबे जी और अपने मेघराज भैया जी। ये देखिए चारों आप देख पा रहे होंगे पहाड़ी पर लगभग पहुँच चुके हैं और पीछे का भव्य सीन आपको हम बैक कैमरा से बता। ये देखिए शहर का वो नज़ारा और सामने आप देख पा रहे होंगे नहर। ये नहर भी दिख रही होगी, पूरा ही भव्य शहर का नज़ारा। लगभग हमने बहुत सारा पड़ाव पूरा कर लिया, थोड़ा सा रास्ता और रह गया है जो कुछ ही क्षणों में पूरा होने वाला है। चलो तब पूछ करें छावनी में तब्दील है पूरा ये। यहाँ पर व्यू पॉइंट आपको बताते हैं, ये देखिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट टाइप का यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ से आप रोप वे देख पा रहे होंगे हमारे पीछे और विंध्य चल जो पहाड़ी जिसका आप मनोरम दृश्य देख पा रहे होंगे। तो और देखो संतावन सीढ़ी अभी तक हम चढ़ चुके हैं और मैया जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। देखिए हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे माँ शारदे मैया के दर्शन आज हमने प्राप्त किए। हाँ।